नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विथ अदर डिपार्टमेंट, यानी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट लागत लेखा विभाग का अन्य विभागों के साथ समन्वय संबंध। आपने सुना होगा कि समन्वय है वो अगर अच्छा है तो आप बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, और अगर समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप चाहे कितने प्रयास करो आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। ये हमारी ज़िंदगी का असूल है, और यही असूल जब प्रोडक्शन में लगता है तो लागत लेखा विभाग जो है उसका अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लो डिपार्टमेंट है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स जो डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन से जुड़े हुए, उन सब में समन्वय होगा तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो उसको कम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके आप लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है उसका जो अदर्स डिपार्टमेंट है उनमें किस प्रकार से समन्वय रहता है और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण ये जो चैप्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे ज़रूर किए जाते हैं, और इससे आपको भी प्रेरणा लेनी होगी कि आपको घर परिवार में सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विथ अदर डिपार्टमेंट, लागत लेखा विभाग का अन्य विभागों से संबंध। संगठन की सफलता के लिए सभी विभागों का समन्वित योगदान होता है। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को सफलता प्राप्त करानी है तो हमें सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में समन्वय स्थापित करना होगा। कोई भी विभाग अन्य विभागों से पृथक रहकर कार्य नहीं कर सकता। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक डिपार्टमेंट काम करे बाकी डिपार्टमेंट काम नहीं करेंगे, तो आपको वो जो लक्ष्य दिया गया था वो लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि संगठन के विभिन्न कार्य परस्पर इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि इनके मध्य औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेक्षण नियंत्रण चलता रहता है। जो संगठन होता है इसमें जो विभिन्न कार्य आपको संपादित करने होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनमें औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संप्रेक्षण में कम्युनिकेशन है वो चलता रहता है, और पूरे संगठन को जोड़े रखने में लागत लेखा विभाग की एक विशेष भूमिका होती है, क्योंकि लागत लेखा विभाग जो डिपार्टमेंट होता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वो उनका मुख्य आधार होता है, और वो ही एक विशेष भूमिका निभाता है उन सबको जोड़ने में और संगठन को एकजुट रखने में। लागत लेखा विभाग का अन्य विभागों से जो संबंध है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं उत्पादन विभाग। उत्पादन विभाग के सफल संचालन में लागत लेखा विभाग का महत्वपूर्ण जो स्थान होता है और महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। लागत लेखा विभाग द्वारा उत्पादन विभाग को समय समय पर काफ़ी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, और ये सूचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे ये देखिए कि किस पर मशीन का प्रयोग किया जाएगा। आपको प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने से पहले आपको लागत लेखा विभाग ये जानकारी देगा कि आपको कौन सी मशीन का यूज करना है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी आपको लागत लेखा विभाग में ही मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है कि प्रोडक्ट को बनाएंगे तब कितनी कॉस्ट आएगी, और अगर मशीन हम अपने यहाँ बनाएंगे तब कितनी कॉस्ट आएगी, और मार्केट से जब परचेज करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो किस मशीन का प्रयोग करना है इसकी जानकारी कौन देगा? लागत लेखा विभाग। कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है ये भी आपको
लागत लेखा विभाग के माध्यम से सूचना मिलेंगी और श्रमिकों की जो है एफिशिएंसी है, कार्यकुशलता है, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी आपको लागत लेखा विभाग द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भी समय सारणी बनाने में, टाइम टेबल बनाने में, निरीक्षण करने में, प्रशिक्षण देने में, वस्तु की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी लागत लेखा विभाग सहायता प्रदान करता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण रोल है वो लागत लेखा विभाग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चलाता है, उसमें अपना योगदान देता है। इसके बाद में आता है पर्सनल डिपार्टमेंट, जिसको कार्मिक विभाग कहते हैं। इस विभाग में सभी कर्मचारियों के व्यक्तिगत जो विवरण है वो रखे जाते हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित लेख भी इस विभाग द्वारा रखे जाते हैं। इन सब कार्यों में लागत लेखा विभाग का विशेष योगदान होता है। पारिश्रमिक संबंधित विवरण तैयार करने के लिए श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, लागत लेखा विभाग से ही आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस श्रमिक ने कितना काम किया और किस इसको कितना पेमेंट आपको करना है, इसने इस हफ्ते में कितनी छुट्टी ली, इसका विवरण भी आपको वहीं मिलेगा, और कितना कितना पेमेंट आपको करना है इसका विवरण आपको वहीं से जानकारी मिलने के बाद ही आप जो कार्मिक डिपार्टमेंट है वो तय करता है। अगर उसके पास ये डाटा नहीं होगा कि मजदूर ने कितना काम किया सप्ताह में या मंथ में या ईयर में, तो वो उसका पेमेंट नहीं कर सकता है। तो दोनों में सामंजस्य होता है, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके कारण विभाग है वो सफलता से संचालित होते हैं। इसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो विभाग है उसका नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। संस्था की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त विभाग की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन पूंजी निर्णय, कार्यशील पूंजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्णय वित्त विभाग द्वारा दिए जाते हैं। संस्था की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको लागू करने के लिए वित्त विभाग की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन पूंजी निर्णय, कार्यशील पूंजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्णय वित्त विभाग द्वारा दिए जाते हैं। लागत लेखा विभाग इसमें काफ़ी सहायता प्रदान करता है। लागत लेखा विभाग विभिन्न प्रकार के साधनों का विश्लेषण करता है। इसके बाद में आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, विपणन विभाग। मार्केटिंग विभाग का कार्य होता है विक्रय का बजट बनाना, वितरण प्रणाली निर्धारित करना, उत्पादन मिश्रण निर्धारित करना तथा विपणन शोध कार्य, इनका महत्वपूर्ण काम होता है। इसमें सेल्स से संबंधित जो बजट बनाना होता है वो उनका कार्य होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रणाली होती है उसको निर्धारित करना होता है, और प्रोडक्ट का मिक्स जो होता है उसका निर्धारण करना होता है, और इसके साथ साथ मार्केट रिसर्च से संबंधित जो भी कार्य आप होते हैं वो सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट विपणन विभाग द्वारा होते हैं, और इन सब कार्यों में लागत लेखा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये विभाग लाभदायकता के आधार पर उचित प्रोडक्ट मिक्स निर्धारित करता है और विक्रय व लाभ में वृद्धि हेतु विपणन शोध कार्य भी करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो शोध कार्य है वो निरंतर चलता रहता है और इनको नई नई सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जिससे कि प्रोडक्शन का जो सेल्स है उसको बढ़ाया जाए, उसका प्रॉफिट है उसको बढ़ाया जाए, और ये कार्य चलता रहता है, और ये सूचनाएं आपको लागत लेखा विभाग से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेतन प्रणाली निर्धारित करने के लिए लागत लेखा विश्लेषण का कार्य भी लागत लेखा विभाग द्वारा किया जाता है। कॉस्ट एनालिसिस का जो कार्य किया जाता है वो लागत लेखा विभाग द्वारा किया जाता है, और उसी के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है उसको निर्धारित किया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो गई आपके लागत लेखा विभाग की। और इसके बाद में आता है लॉ डिपार्टमेंट। देश विदेश में विभिन्न प्रकार के अधिनियम हैं जो संस्था की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, तो संस्था की जो कार्यप्रणाली है उसको प्रभावित कर सकते हैं।
साथ ही दिन प्रतिदिन सरकार द्वारा नए नए अधिनियम पारित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन नए नए अधिनियम कानून पारित किए जा रहे हैं और कानूनों के इस बढ़ते हुए जाल को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विभाग और संस्था में एक विभाग होता है और उसका विभाग का नाम होता है लॉ डिपार्टमेंट और इसकी स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लागत लेखापाल कॉस्ट जो अकाउंटेंट होता है वो विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक अधिनियमों और कराधान से संबंधित नियमों की जानकारी उसको होती है और अतः किसी भी निर्णय के संबंध में विवाद होने पर वो अपनी वैधानिक राय आपको देता है और उस राय को ध्यान में रखते हुए आप उसमें अपना निर्णय है वो लेते हैं। तो विधि विभाग और लागत लेखा विभाग है उनमें समन्वय होना जरूरी है क्योंकि लागत लेखा विभाग विधि विभाग के जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उसके द्वारा उसको कई प्रकार की जानकारी दी जाती है और उस जानकारी के आधार पर अगर कोई विवाद हो गया है तो वो अपना निर्णय देता है, वैधानिक राय को वो प्रस्तुत करता है और उस राय को ध्यान में रखते ही आगे की कार्रवाई जो है वो संपादित की जाती है। तो इस प्रकार विधि विभाग और लागत लेखा विभाग में समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है जिसके कारण संस्था वो प्रगति करती है। और इसी के साथ आप सबका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े और आपने पूरा ध्यान से सुना और समझा और इसको आपको पूरा ध्यान से सुनना और समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इसको सुन लिया तो आपको बहुत फ़ायदा इसमें हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।